तो अभी हम करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बोनस शेयर के अपोजिट में पढ़ेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। और इससे ताल्लुका थ्योरी ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको जर्नल एंट्री आपको जर्नल एंट्री के बारे में लिखने के लिए कहेगा, किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाते उसके बारे में लिखना, और लेक्चर अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते उसके बारे में आपको पूछेगा। वो तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करें तो खुद ब खुद सीख जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करके मैं आपको सीधे प्रॉब्लम ही दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, एक छोटा सा बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच पेबल टू ऑन अप्लीकेशन फाई ऑन अलॉटमेंट रिमेनिंग ऑन कॉल। अप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 9,000 शेयर एंड शेयर वर ड्यूली अलॉटेड, ऑल कैश ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव, राइट द जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर कैश बुक। मतलब एक्स वाई जेड कंपनी ने 10,000 शेयर जारी किए हैं, 10 रुपये का एक है, 2 रुपये अप्लीकेशन के टाइम पे, 5 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे, और बचे सो बैलेंस 3 रुपये कॉल के टाइम पे दिए जाने हैं। पब्लिक ने सिर्फ 9,000 शेयर ही अप्लाई किए हैं, अप्लीकेशन किए हैं, यानी कि पब्लिक में 9,000 शेयर ही बेचे गए हैं। तो 9,000 शेयर के ऊपर ही प्रॉब्लम करना, 10,000 के ऊपर नहीं करना, पूरे पैसे रिसीव हो गए। चलो देखो इसका मैं जर्नल एंट्री और कैश बुक किस तरीके से बनाता हूँ। बेहद आसान प्रॉब्लम है ये, बेसिक प्रॉब्लम है ये। देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाना है तो जर्नल एंट्री का प्रोफॉर्मा बनाइए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड। ये तो आपको पता ही होगा, सीरियल नंबर है, ये पर्टिकुलर्स है, ये डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, LF, पहली एंट्री पहले अप्लीकेशन के लिए। अब अप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री रहती, असल में हर एक के लिए 2 एंट्री रहती। यहाँ पर क्या है ना प्रॉब्लम, अप्लीकेशन के ऊपर है सो 2 रुपये है, 9,000 शेयर है, 2 रुपये के हिसाब से 18,000, अलॉटमेंट के टाइम पे 9,000 × 5 यानी कि 45,000, और रिमेनिंग 3 रुपीज़ कॉल के ऊपर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं इसको, 27,000 रुपीज़, कुल मिला के 90,000। तो ये है, अपने को ये सॉल्व करना है। अब हर एक के 2 एंट्री रहते, अप्लीकेशन के 2 रहते, अलॉटमेंट के 2 रहते, और वो फाइनल कॉल के भी 2 रहते। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एंट्री लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट है 9,000 × 2 रुपीज़ यानी कि 18,000 बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड received on application। दूसरा एंट्री आता है, ये जो क्रेडिट हुआ इसको डेबिट कर देना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीस सेम वही 18,000 फिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल।
तो ये एप्लीकेशन का दो एंट्रियाँ हो गए, अब अलॉटमेंट की दो एंट्री करना, अलॉटमेंट। अब ये अलॉटमेंट की जो एंट्री रहते हैं ना, असल में ये जो एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री है वो इसमें पहली रहती, मतलब कि शेयर अलॉटमेंट। अब इधर एप्लीकेशन था तो इधर अलॉटमेंट आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यानी कि अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, मतलब पहले है सो पैसे आ जाते हैं, फिर वो पैसे है सो कैपिटल को ट्रांसफर हो जाते। लेकिन अलॉटमेंट के केस में हम है सो पब्लिक को बोलते कि आपके शेयर अलॉट हो गए, यानी कि पहले हम आना है बोल के लिखते, फिर आप पैसे आएंगे जब पैसे की एंट्री लिखते। जैसे कि आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, बिल्कुल एप्लीकेशन से उलट है ये, ये पहले है और ये वाली बाद में है अलॉटमेंट के टाइम पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वैसे अमाउंट क्या है इसका, 9000 इंटू 5 रुपीस यानी कि 45,000 बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें एक ही कॉल दिया तो वही फर्स्ट है वही फाइनल है। अब इसके भी दो एंट्री रहते हैं, सेम अलॉटमेंट जैसे ही इसके भी दो एंट्री रहते हैं, मतलब कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना, 9000 इंटू रिमेनिंग 3 रुपीस, क्योंकि 2 रुपये एप्लीकेशन को चले गए, 5 रुपये अलॉटमेंट में, मतलब 7 रुपये बचे सो 3 रुपये, 10 रुपये का एक शेयर है ना, तो 27,000 बीइंग कॉल ड्यू, कॉल मनी ड्यू। अब इसके पैसे आएंगे, इसको 5 इसको 6 लिख सकते अपन, इसके पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट अमाउंट वही 27,000 बीइंग मनी रिसीव्ड, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन कॉल। बस इतना ही है ये। अब बैंक अकाउंट बनाने के लिए वो बोल रहा था, मैं बैंक अकाउंट बनाकर भी आपको दिखा डाल दूंगा। ये रहा बैंक अकाउंट, मैं थोड़ा रफ में बना रहा हूँ, आप नीटली बनाना। बैंक अकाउंट पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट के साइड है, तो डेबिट के साइड आकर अपोजिट का नाम शेयर एप्लीकेशन लिख लेना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट है 18,000 रुपीस। फिर दूसरे एंट्री में बैंक अकाउंट ये दूसरे वाले एंट्री में है, इस बार भी डेबिट साइड ही छे, तो डेबिट साइड आकर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट किधर है वो देखना, बैंक अगर डेबिट में है तो डेबिट में आना, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाना और अपोजिट का नाम लिखना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है, ये पहली एंट्री में तो बैंक नहीं है, दूसरे में बैंक है, वो भी डेबिट के साइड ही है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट है 27,000। ये पूरा टोटल हुआ देखिए 90,000 बैलेंस कैरी डाउन 90,000। अब बैलेंस शीट भी बनाना रहता वो भी मैं आपको दिखा डालता हूँ, छोटी सी बैलेंस शीट रहती वो देखिए,
बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड एज ऑन जो भी डेट दिया, हाँ 9000 शेयर्स, असल में 10000 शेयर्स थे, 10000 शेयर्स इश्यूड सब्सक्राइब्ड 9000 एट द रेट ₹10 ईच, तो ये हो गया 90000। और इस तरफ सिर्फ बैंक अकाउंट, और वो बैंक का आंसर आया था 90000, यानी कि ये टैली हो गया 90000 90000। बस इतना ही करना। अभी एक दूसरा और एक एक प्रॉब्लम करके देखेंगे अपन, इस बार लॉन्ग प्रॉब्लम लेंगे, से भी बड़ा। चलिए ये प्रॉब्लम करेंगे, ये फर्फीचर का प्रॉब्लम है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए, पल्लव होटल्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ₹8.12। द अमाउंट पेबल ऑन द शेयर्स वर ऑन एप्लीकेशन 4.5, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2, 4.5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। एक्चुअल सब्सक्रिप्शन वॉज ओनली 90000 शेयर्स, सॉरी। ऑल मनी पेबल बाय शेयर होल्डर वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुधाकर हु हैड टेकन 1000 शेयर्स बट फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इश्यू टू प्रभाकर ₹8.6 ईच। तो पल्लव होटल नाम की एक कंपनी है, 1 lakh उसके इक्विटी शेयर्स है, कीमत तो ₹10 है लेकिन ₹12 से इशू किए गए थे, मतलब ₹2 प्रीमियम हुआ। अमाउंट इस तरीके से आना है, अप्लीकेशन के ऊपर ₹4.5, अलॉटमेंट के ऊपर ₹4.5, लेकिन जिसके अंदर प्रीमियम का भी ₹2 शामिल है, और फर्स्ट और फाइनल कॉल के ₹3। एक्चुअली पब्लिक ने है सो 90000 शेयर्स ही खरीदे, पूरे पैसे मिल गए, सिवाय सुधाकर नाम का एक शख्स है जो कि 1000 शेयर्स का मालिक था, उसने पेमेंट नहीं किया और उसके शेयर्स फॉरफीचर कर लिए गए और इशू किए गए प्रभाकर नाम के शख्स को ₹6 में एक। देखिए ये प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कैसा सॉल्व करता हूँ देखिए। तो सबसे पहले 90000 शेयर्स है जो पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन किया, और अप्लीकेशन के टाइम पे ₹4.5 है, तो ये टोटल होना चाहिए 4,05,000। फिर अलॉटमेंट की अगर कभी बात करें तो 90000 शेयर्स तो है, एक्चुअली अलॉटमेंट की रकम उन्हें 4.5 दिया मगर ₹2 उसमें प्रीमियम के भी शामिल है, तो अलॉटमेंट की रकम 2.5 हुई और प्रीमियम की रकम हुई ₹2। इस तरह ये हो गया 1,80,000 और ये हो गया 2,25,000। इस तरह फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 90000 शेयर्स इंटू ₹3 ईच, यानी कि 2,70,000। इस तरह होना चाहिए, ये पूरा मिलाकर टोटल होना चाहिए था, कितना होता ये पूरा टोटल, ₹10,80,000। अब देखिए मैं इसे सॉल्व कैसा करता हूँ, पहले जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, वही सेम जर्नल एंट्रीज जो अब भी आपने थोड़ी देर पहले सीखा। ये देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ चलिए, तो एप्लीकेशन के टाइम पे 2 एंट्री रहते हैं, वो 2 एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट है 4,05,000। अब नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,05,000, 4,05,000। ये तो एप्लीकेशन का हो गया। अब अलॉटमेंट का देखिए, अलॉटमेंट इसकी पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये याद रखना अपन, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी शामिल था। प्रीमियम 2 रुपये के हिसाब से 1,80,000, 90,000 शेयर्स, और ये 2,25,000, जैसा कि वर्किंग नोट में भी दिखाया था मैंने, और ये टोटल हो गया 4,05,000। बींग शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रीमियम। चलिए अब इसकी दूसरी एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,05,000, 4,05,000। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री, इसकी पहली एंट्री देखिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट है इसका 3 रुपये के हिसाब से 2,70,000, 2,70,000 बींग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब जब पैसे इसके आए तो 1,000 शेयर्स के पर पैसे नहीं आए। सुधाकर नाम का एक शख्स था जो 1,000 शेयर्स का मालिक था, उसने पैसे नहीं चुकाए, मतलब 3 रुपये नहीं चुकाए। तब ये एंट्री इस तरीके से लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 89,000 शेयर्स के ऊपर पैसे आए, क्योंकि 1,000 के ऊपर नहीं आए ना, तो ये हो जाएगा 2,67,000, 3,000 कट हो के 2,67,000। अब ये शेयर्स आगे जाके फरफीचर हो जा रहे, फरफीचर हो जा रहे, यानी कि कंपनी वो 1,000 शेयर्स को अपने कब्जे में ले रही, फिर किसी दूसरे शख्स को बेच दे रही। अगर कभी कंपनी उस शेयर्स को कब्जे में ना ले, फॉर एग्जांपल अगर कभी कंपनी उसको फरफीचर ना करे, तब यहाँ पर आप बैंक अकाउंट के साथ कॉल्स इन एरियर्स करके लिख देना और वो 3,000 रुपये डेबिट साइड ही मेंशन कर देना। लेकिन अब ये आगे जाके फरफीचर हो रहा ना, तो फिलहाल मैं वो नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे इसे फरफीचर करना है। और फरफीचर किस तरीके से किया जाता वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से शॉर्ट प्रॉब्लम में भी पूछ सकता, इसके ऊपर थ्योरी बना के भी पूछ सकता। आपको थ्योरी है सो शेयर्स कैसा इशू करते ये पूछेगा, और साथ में फरफीचर क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, ये भी पूछ सकता। प्रॉब्लम भी पूछ सकता, थ्योरी भी पूछ सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब्सक्रिप्शन अपना फरफीचर में किस तरीके से करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। जर्नल एंट्री कंटिन्यू है, जर्नल एंट्री कंटिन्यू है, देखिए शेयर फरफीचर। शेयर फरफीचर का मतलब होता अपने कब्जे में कर लेना। तो 1,000 शेयर्स है वो, उसने अब तक है सो पूरे पैसे चुकाए थे, एप्लीकेशन के पैसे चुकाए थे, अलॉटमेंट के पैसे चुकाए थे। एप्लीकेशन के कितने, 4,500 रुपये, यानी कि 4,500। अलॉटमेंट के कितने, 2.5,
रुपीस यानी कि 2500 रुपये, लेकिन कॉल के पैसे वो नहीं चुका पाया, उसे चुकाना था 3000 3 रुपये के हिसाब से, लेकिन अब तक उसने 7000 रुपये तो चुका दिए थे, ये एक उसने नहीं चुकाया था, ये चुकाया था, तो इसके 7000 रुपये भी कंपनी ने जब्त कर लिए। 1000 शेयर जब्त करने का मतलब ही यही है कि जब्त कर लिए। तो कंपनी सबसे पहले ये एंट्री पास करती, सबसे पहले ये एंट्री पास करना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखिए समझाता हूँ मैं आपको, पूरे 1000 शेयर की कीमत होती 10 रुपये के हिसाब से 10000, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वो 3000 नहीं दे पाया था, और कंपनी ने उसके 7000 रुपये जब्त कर लिए, खा गए। तो इसे लिखना बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर, बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड। तो कंपनी ने उसके 7000 रुपीज खा लिए, मतलब अब वो शेयर्स वो कंपनी किसी और को बेच दी। तो री इशू की एंट्री लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी अपना नुकसान कभी भी नहीं सहती, 1000 शेयर्स है, कंपनी तो 10 रुपये से ही अपना अमाउंट लिखेंगी 10000, लेकिन हकीकत में कंपनी ने वो 1000 शेयर्स 6 रुपये में बेचे, मतलब 6000, तो बचे सो 4000 है। सो कंपनी जो उसके 7000 रुपये जब्त करके रखे थे ना, उसमें से रख लेती। इसको बोलते शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 4000 रुपीज। उसके शेयर्स के 7000 रुपये जो बेचारा चुकाया था, उसमें से 4000 कंपनी ने रख लिए, और अपने शेयर की कीमत 10000 बना ली वापिस। बींग शेयर्स री इशूड, लेकिन उसे जो 7000 थे उसके, उसमें से 4000 कंपनी ने ले ली, तो अभी भी 3000 बच गया। वो 3000 की एंट्री इस तरीके से लिखना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 3000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये कंपनी उसे लौटा भी सकती है, अपने पास ही रख भी सकती, ये 3000 रुपये। बींग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब किस तरीके से बैंक अकाउंट बनाया जाता और किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अब बैंक अकाउंट कैसा बनेगा और बैलेंस शीट कैसी बनेगी वो भी आप देख लीजिए। जर्नल एंट्री देख करके बैंक अकाउंट बनाना चाहिए, जहाँ पर बैंक है वहाँ पर देख करके बना लेना। जैसे कि पहली जर्नल एंट्री में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन था, तो एप्लीकेशन का अमाउंट क्या था, एप्लीकेशन का अमाउंट था 4,05,000 शेयर एप्लीकेशन। फिर अलॉटमेंट में दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट की थी, और उसमें अमाउंट था सेम वही 4,05,000 शेयर अलॉटमेंट 4,05,000। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट था 2,67,000। फिर जब शेयर रीइशू किए गए थे तब है सो अमाउंट था शेयर कैपिटल 6,000 में रीइशू किए गए थे ना, बैंक का बैलेंस लेना है, तो अब इन सब का टोटल होना चाहिए 10,83,000। बैलेंस कैरी डाउन
10,83,000, 10,83,000। अब बैलेंस शीट किस तरीके से बनेंगे वो भी आप देख लीजिए। हालांकि 1,00,000 शेयर्स थे, 1,00,000 शेयर्स तो थे, बट सब्सक्राइब कितने हो पाए, 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गया 9,00,000। और शेयर प्रीमियम का अमाउंट था 1,80,000, याद होगा आपको। और कैपिटल रिजर्व का आंसर है 3,000, ये भी आपको याद होना चाहिए। जब हम शेयर फॉरफीचर करे थे, शेयर फॉरफीचर में से कुछ अमाउंट लेस कर दिए थे, बैलेंस डाल दिए थे, आपको याद ही चूंगा। ये 3,000, ये 3,000 की एंट्री है वो। अब बैंक बैलेंस यहाँ पर लिखिए 10,83,000, तो ये पूरा टोटल आ जाएगा 10,83,000 बराबर 10,83,000। तो इस तरीके से फॉरफीचर के साथ शेयर्स इश्यू का प्रॉब्लम किया जाता, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है।